दोस्तों, मैं अक्सर लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि समय बदल गया है और अब वह सब बातें नहीं होती या दिखती जो हमारे बचपन में होती थीं। मैंने एक दिन अपने एक दोस्त से पूछ ही लिया कि वह कौन सी बातें हैं जिन्हें वह आज भी अपने बच्चों में या अपने जीवन में होते हुए देखना चाहता है। उसकी सूची कुछ इस प्रकार थी। बचपन में हम सब कैसे एक साथ लूडो, कैरम, बिजनेस एवं अन्य खेल खुशी खुशी खेलते थे। कैसे हम बचपन में गुल्लक लाते थे और उसमें पैसे बचा बचा कर रखते थे। कैसे जब कोई रिश्तेदार हमारे घर आता था तो जाते वक्त हमको पैसे देकर जाता था। कैसे हम त्योहारों पर एक दूसरे के घर बधाई देने जाते थे और फिर प्रतीक्षा करते थे कि हमारे यहाँ भी मेहमान आएं। कैसे जन्मदिन या त्योहार के समय नए कपड़े और तोहफे पाकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। मैंने अपने दोस्त को रोका और कहा, बस मेरे दोस्त, मैं समझ गया। मैंने उससे कहा, प्रिय दोस्त, लूडो, कैरम और अन्य खेल आज भी हैं और दुकानों में किफ़ायती दामों पर उपलब्ध भी हैं, लेकिन तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जिस भली बात को अपने आप से, परिवार से और समाज से विलुप्त होते देखो, उन बातों को बिना दूसरे की प्रतीक्षा करे दोबारा आरंभ करो। अपनी अगली पीढ़ी को संतुष्ट, खुश और परमेश्वर के भय में रहना सिखाएं।